Virgin Lawn is offering a special Ramazan offer. During Ramazan, get 40% discount up to bookings of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Bookings are limited. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين ناظر اکرام پارس نیوز کی خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن مرحبا رمضان لے کر آپ کی خدمت عالی جناب میں پیش خدمت ہے آپ کا میزبان محمد شاہد مقبول اختر القادری اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے ساری برائڈل سیلون عامر غفار فاؤنڈیشن شہباز دہلی نہاری ہاؤس ملک آرٹس پروموٹرز عوامی بچت بازار سونی دھرتی یوتھ کونسل زیڈ بی آر پروموٹرز اینڈ پروڈکشن ایچ اینڈ ایف گارمنٹس پی زیڈ ایم ٹی وی اور نیو خان چار سدہ شوز بنانے والوں کا ناظرین کرام گاہے بگاہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوا کرتے ہیں شہر حیدرآباد کے معززین شہر اور وہ تمام اعلیٰ شخصیات جو کہ اس شہر حیدرآباد کے لیے گوناگوں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور کارہائے نمایاں انجام دیا کرتے ہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے اپنی تمام تر کوششوں اور کاوشیں بروئے کار لایا کرتے ہیں وہ ایسی تمام شخصیات الحمدللہ پارس نیوز کے اس پلیٹ فارم سے اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان کی مہمان ہوا کرتی ہیں الحمدللہ عز و جل ہماری اس ٹرانسمیشن میں جہاں آپ نے تعلیمی درس و تدریس سے وابستگان سے ملاقات آپ کی رہتی ہے وہیں شعراء اکرام سے اور دیگر سماجی اور سیاسی کارکنان اور سماجی شخصیات اور سیاسی شخصیات سے بھی آپ کی ملاقات رہا کرتی ہے اور آپ کے ذہن میں آنے والے وہ تمام سوالات جو کہ ہماری مہمان شخصیات سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس کے ذریعے آپ ہمیں بھیج دیتے ہیں اور ہم ان سوالوں کو شامل ٹرانسمیشن کیا کرتے ہیں ایک حیدرآباد کی ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت جو کہ آج ہماری مہمان ہیں اور بڑی محبت اور مشفق و مہربان شخصیت ہیں آپ گاہے بگاہے ان کو دیکھا کرتے ہیں کہ جب جب
इस शहर हैदराबाद में कभी कोई मसाला, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे रिजॉल्विंग की तरफ ले जाने के लिए अपनी तमाम तर कुव्वत लगा दिया करती है ये शख्सियत, और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के किसी भी हवाले से अगर इस शहर के अमन को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो पेश हुआ करती है ये शख्सियत। यकीनन जब मैं नाम लूँगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। मेरी मुराद डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहतरम जनाब मोहम्मद आबिद कादरी भाई से है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहम्मद आबिद कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात में वक्त निकाल कर आज की इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर हमारे साथ आने की ज़हमत की और हमें वक्त अता किया। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद इस्तकामत और जुरत अता फरमाए कि आप इसी तरह इंसानी खिदमत करते रहें। नाज़रीन इकराम, आज की इस ट्रांसमिशन में जहाँ एक बड़ी मोतबर शख्सियत हैदराबाद की यहाँ मौजूद हैं, डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, वहीं शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई कमसिन सना खान मुस्तफ़ा, बहुत खूबसूरत पढ़ने के हामिल सना खान मुस्तफ़ा, जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये पहली बार लाइव सेशन में मौजूद हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब नात पढ़ते हैं तो यकीन जानिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मासूमाना लबो लहजे के साथ जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई बच्चा नात पढ़ता है तो उसकी कैफियत का क्या आलम हुआ करता है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद फाहद अत्तारी, कमसिन सना खान मुस्तफ़ा, और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये भी हमें प्यारी प्यारी नातें हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम आपसे दो नातें सुनेंगे, आप सुनाएंगे हमें? जी। वेरी गुड माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, ऐसे कमसिन सना खान मुस्तफ़ा को पारस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मौके फराम किए जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि शहर हैदराबाद में बसने वाले वो कमसिन सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अल्लाह पाक ने उनको खुदादार सलाहियतों से नवाजा है, खूबसूरत आवाज़ और अंदाज से नवाजा है, वो बच्चे भी पारस न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। हम चलते हैं नाज़रीन इकराम हमारे आज के खुसूसी मेहमान जो कि इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ फरमा है, और हम चाहेंगे कि आज बहुत सारी गुफ्तगू आबिद भाई से हमने करनी है, बहुत सारी शेयरिंग करनी है। आपके जहन में भी कोई अगर सवाल मौजूद हो तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं, वो सवाल हम अपने ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाने में फ़ख्र महसूस करेंगे। आबिद भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, और न सिर्फ मैं बल्कि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, कि आपको सुन्नी तहरीक ज्वाइन किए हुए एक अरसा दराज हो गया है, तो वो एक स्पेसिफिक क्या फिगर है, कितना अरसा आपको इस तंजीम के साथ जुड़े हुए हो गया? माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं पारस न्यूज़ का शुक्रिया जी, पारस न्यूज़ ने हमें यहाँ मधु किया है। जानेब भाई की काविश हैं हैदराबाद के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान शरीफ है, 27वीं शब को यानी कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की बुनियाद रखी गई 1919 के अंदर, और यही तारीख गालिबन पाकिस्तान की भी यही है, ये आज़ादी की माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल आज मुझे फ़खर के साथ मुझे माशाल्लाह मुझे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के अंदर वाह 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 32 साल का अरसा हो चुका है। क्या बात है। कायदे तहरीक शहीद मोहम्मद सलीम कादरी भाई के साथ इस मिशन के ऊपर काम शुरू किया था, और अच्छे अंदाज से लगेंगे। सलीम कादरी तो अहले सुन्नत की एक आवाज़ है, सलीम कादरी बिल्कुल, तो कहते ना जिससे जिसकी आवाज़ से दरियाओं के दिल दहल जाए, उस वो तूफ़ान है सलीम कादरी। क्या बात है। तो सलीम भाई के साथ काफ़ी अरसे काम किया। सलीम भाई की शहादत के बाद सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अब्बास कादरी जी, जो कि नश्तर पार्क में बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हो गए थे, शहीद हो, अपने रफ़का के साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत शहीद हो गई थी, 63 उलमाए दीन उनके साथ थे जी। तो अब्बास भाई के साथ काम किया, अब्बास भाई की मेहनतें और काविशें थी। अब्बास भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शहादत के बाद आज तक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और अभी सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मुंतखब हुए शादाब रज़ा नक्शबंदी भाई, शादाब रज़ा नक्शबंदी भाई की क़यादत पर अंधा एतमाद है और एतमाद करते हैं मरकज़ अहले सुन्नत, जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का हेड ऑफिस है, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का सबसे बड़ा हेड ऑफिस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का है बिल्कुल। तो उसकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जब तक जिस्म में जाने और इंशाल्लाह जारी रहेगा। क्या बात है माशाल्लाह। यानी 32 साल का एक
طویل عرصہ آپ نے اپنی خدمات پاکستان سنی تحریک کے لیے صرف کی اور یقیناً آپ نے بڑا مشکل وقت بھی اس شہر حیدرآباد میں دیکھا ہوگا, اور ہم نے تو اکثر آپ کو جب سیلاب زدگان کی بات ہو, کووڈ کا زمانہ ہو اور راشن کی ترسیل کا معاملہ ہو, تو ہم نے تو آپ کو ہر جگہ ایکٹیو ہی پایا ہے. اور جس آپ یقیناً 32 سال میں آپ نے جو اپنی خدمات پیش کیں, تو عابد بھائی ہمارے ناظرین اور میں خود یہ جاننا چاہوں گا کہ ان 32 سالوں میں آپ کو پاکستان سنی تحریک کی جانب سے کن کن عہدوں پر فائز رکھا گیا؟ بھائی پاکستان سنی تحریک کی قیادت کا مشکور ہوں, کیونکہ جب میں پاکستان سنی تحریک کے اندر آیا تو ایز اے ورکر یعنی کہ ایز اے کارکن گراس روٹس جی آیا, تو کافی عرصے تک سنی تحریک کا کام کرتے رہے. پھر مجھے یونٹ سطح کا ذمہ دار بنایا گیا کافی عرصے رہا, پھر مجھے سیکٹر انچارج بنایا گیا, پھر حیدرآباد کی مختلف تحصیلوں کا ذمہ دار بنایا گیا, پھر میں کارکن بن گیا. اچھا ماشاءاللہ. پھر مجھے ذمہ داری دی گئی, پھر میں کارکن بن گیا, پھر مجھے ذمہ داری دی گئی, پھر اسی اثنا کے اندر کئی دفعہ قیدوبند کی صحبتیں بھی کاٹی جی. پھر اس کے بعد مجھے حیدرآباد ضلع کی کمان سونپی گئی, الحمدللہ حیدرآباد ضلع کا صدر تھا میں. پھر ابھی الحمدللہ سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی بھائی نے مجھے حیدرآباد ڈویژن کا صدر منتخب کیا ہے. واہ واہ, یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. یہ میرے لیے بڑی خوشائند بات ہے, اور میرے لیے سمجھ لیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ مرکز اہل سنت اور سربراہ پاکستان سنی تحریک ہم پر اعتماد کرتے ہیں, یہ ان کی سمجھ لیں کہ ہمارے محبت کا اظہار ہے. بالکل. تو میں شاداب رضا نقشبندی بھائی کا بھی شکر گزار ہوں اور مرکز اہل سنت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے پاکستان سنی تحریک حیدرآباد کا ڈویژن صدر منتخب کیا. بات ہے, ہماری جانب سے بھی, پارس نیوز کی جانب سے بھی, اور سی ای او محترم جناب جازف خان صاحب کی جانب سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے, ڈویژنل صدر پاکستان سنی تحریک ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ عابد بھائی سے رمضان المبارک کے حوالے سے بعد میں بات کریں, پہلے موجودہ سیاسی صورتحال اور اس پر معاشی صورتحال, اور یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو ایک ساتھ اگر پراپر وے میں چلتی رہیں تو ملک ترقی کرتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ان دونوں ٹاپک پر عابد بھائی کی رائے لیں اور ان کا اظہار خیال یقیناً ہم شامل کریں آپ لوگوں کی توسط سے اور آپ کی اعلیٰ نالج کی بدولت, کہ ہماری عوام جاننا چاہتی ہے کہ عابد بھائی موجودہ سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر آپ کی کس طرح نظر ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل میں؟ بھائی دیکھیں نا, پاکستان کے حالات مجھ سمجھ سب کو پتہ ہے جی, اور جو بھی منتخب ہو کر آتا ہے یا چور دروازے سے آتا ہے, ہر آدمی ہر سیاستدان یہ آ کے کہتا ہے کہ ملک ہمارا جو ہے وہ مختلف ماحول سے گزر رہا ہے, نازک حالات سے گزر رہا ہے, چیلنجز کا سامنا, یعنی کہ سنتے آ رہے ہیں. جی ہاں جی, کیونکہ زندگی گزر گئی ہے, 32 سالہ جد و جہد ہے سیاسی اور مذہبی, تو اس کے اندر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکمران آتا نا, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان صحیح سمت پر چل رہا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. تو جو بھی آ رہا ہے بس اس کا یہی ہے کہ میں الیکشن ہار گیا, مجھے الیکشن ہروا دیا گیا. آپ یہ دیکھیں گے جیتنے والا بھی برا کہہ رہا ہے اور ہارنے والا بھی برا کہہ رہا ہے, کمال آپ یہ دیکھیں نا جی. اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ ہر آدمی کی یہ ہے کہ بھائی مجھے منتخب انہوں نے کیا, اسے منتخب انہوں نے کیا جی جی. اچھا جس کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے صحیح چل رہا ہے, صحیح چل رہا ہے. اس کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر سکتا, ملک معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے جی, اور اس ملک چلانے والے جو لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ بندہ صحیح نہیں ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ صحیح ہے یا یہ بندہ, وہ مختلف چیزیں مختلف باتیں ہوتی ہیں جی, سمجھ رہا ہوں. لے دے کے ہر آدمی کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہے, اس کے ساتھ غلط ہو جائے تو سب چیزیں غلط ہیں. معاشی طور پہ الحمدللہ پاکستان بہت مضبوط ہے, اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ اس ملک کو چلانے والی غریب عوام ہے نا. ہمارے ٹیکس جو ہم ٹیکس دیتے ہیں نا, اس سے سینٹ کے جو ممبران ہیں, قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں, اور پاکستان کے جتنے بھی سرکاری محکموں کے نوکر ہیں, الحمدللہ جو مجھ سمیت جتنے بھی عوام جو ٹیکس دیتی ہے نا, اس سے ان کو تنخواہ ملتی ہے, لیکن وہ ہمارے ٹیکس کا حق ادا نہیں کرتے, اور ہمیں جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس ٹیکس کا, یعنی کہ ہمیں جو ریلیف ملنا چاہیے عوام کو ریلیف نہیں ملتا. پھر عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, یہ کمال ہے. یہ سیاست دان ہے, یہ صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, کوئی بول رہا ہے کہ مجھے ہٹا دیا, کوئی بول رہا ہے کہ اس کو لگا دیا گیا جی. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ عوام کو کیا معاشی پریشانی ہے, عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے, پیٹرول مہنگا ہو گیا جی, ڈیزل مہنگا ہو گیا,
गोश्त महंगा, सब्ज़ी महंगी, यानी कि जो हमारी बुनियादी सहूलियात की जो चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही है, हमारी गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। बिल्कुल, क्योंकि गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, तर होता जा रहा है। तो कोई भी सियासी तंजीम या सियासी रहनुमा आवाम के बारे में सोच नहीं, विचार नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी ज़ात, अपनी पार्टी और ये सोच रहा है कि मुझे माल कैसे बनाना है। क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि कोई भी सियासी पार्टी आ रही है वो आवाम का नहीं सोच रही। हम हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद में आप देखें कि कितनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, आपको गटरों के ढक्कन नज़र नहीं आएंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल। आप रमज़ान मुबारक चल रहा है, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना चल रहा है जी, कहीं भी मार्केटों के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि महंगाई का तूफान आ रहा है जी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। हुक्मरान सिर्फ इस चक्कर के अंदर है कि मैं आ जाऊँ, मैं उसको बांट दूँ, मैं उसको बंदर बांट लगी हुई है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का कोई नहीं सोचता। मैं इसमें अफवाज पाकिस्तान को यानी कि ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि जब भी मुल्क में कोई मसला आएगा ना, तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, या मुल्क माशी तौर पे परेशान होगा, सब फिर अफवाज पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसा ही, और अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना किरदार भी अदा करती है, क्योंकि आज अगर हम सुकून से इस मुल्क के अंदर सोते हैं तो ये अफवाज पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल, हम अफगानिस्तान में नहीं, हम सीरिया में नहीं है, हम फलस्तीन में नहीं है, हम शाम के अंदर नहीं है। आप उधर के जाके हालात देखें, वहाँ फौज नहीं है। सही बात है, यहाँ अफवाज पाकिस्तान है तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के अंदर आज तक मेगा प्रोजेक्ट बने उसमें अफवाज पाकिस्तान का बहुत किरदार रहा। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत बड़ा यानी कि वो किया है, अचीवमेंट किया है, यानी कि कह रहे हैं अपनी जानों के नजराने, आए दिन शहादतें होती हैं अफवाज पाकिस्तान की। तो बहरहाल ये कि सियासी जो रहनुमा है, बस इनसे तो अल्लाह बचाए, बस इस मुल्क का बस सरकार दौरान सल्लम की खसूस नजर चलता है और इनशाला ता क़यामत ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, अल्लाह पाक से पाइंदाबाद रखे। मगर आबिद भाई, यहाँ एक सवाल रेज होता है कि अगर सियासतदान पाकिस्तान के इस काबिल नहीं कि उन्हें ये भाग दौड़ दी जाए मुल्क चलाने की और मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने की, और आवाम भी ट्रस्टेड नहीं है उन लोगों पर और अपना एतमाद जाहिर नहीं करती, तो फिर क्या ऐसा मैकेनिज़म बनाया जाए कि इन तमाम सियासतदानों को बालाए ताक कर दिया जाए और फिर एक नया निज़ाम लॉन्च किया जाए, चाहे वो हम क्या कहेंगे उसको, इनकलाबी एक तब्दीलियाँ की जाएँ इस मुल्क के लिए, और ये जितने भी मफाद परस्त टोले हैं इनको साइडलाइन किया जाए और उसके बाद फिर एक मैकेनिज़म बना के नए लोग, वो लोग जो अपने तौर पर ख़ुद अपने बलबूते पर सामाजिक खिदमत कर रहे हैं, अपने बलबूते पर इंसानों की और पाकिस्तानियों की खिदमत में लगे हुए हैं और वो दर्द रखते हैं इस मुल्क के लिए कि अगर मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है तो इसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, हम हराम खोरी से बचें, हम रिश्वत खोरी से बचें, हम दीगर बुराइयों से हम अपनी आवाम को बचाएं, बनिस्बत उनके कि जो आवाम के टैक्सेस से पैसे तो जमा करने में लगे हुए हैं मगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, बहुत बड़े बड़े इदारों में वो लोग मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी आपको अंदाज़ा है कि ब्यूरोक्रेसी इस वक्त किस लेवल पर काम कर रही है, तो क्या आप समझते हैं इस हवाले से कि कोई ऐसा एक मैकेनिज़म नहीं होना चाहिए इस मुल्क में? भाई देखिए ना, ये मुल्क इनकलाब की तरफ तो बढ़ रहा है जी, नो डाउट, और इसकी बिसात भी बिछ गई है जी, और आपने इस इलेक्शन के अंदर भी देखा, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर भी देखा, क्योंकि बिसात जब बिछ गई है और ये लग चुकी है सेज, तो इंशाल्लाह आप देखना कि जितने भी ये सियासतदान हैं आज नहीं तो कल जी, है ना, ये आवाम की नज़र के अंदर जलील और रुसवा होंगे और होते आ रहे हैं और आवाम का सोचते नहीं है जी। क्योंकि आप देखेंगे अभी एक इतिहाद बना था तमाम सियासी पार्टियों, एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने इतिहाद किया, लेकिन जब इलेक्शन आए तो वो फिर एक दूसरे को चोर बोल रहे थे और लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम उनसे इतिहाद नहीं करेंगे, इनसे इतिहाद नहीं करेंगे, यानी मफादात की जंग थी, सद के मफादात पूरे हुए थे, सब मिलकर बैठ गए, लेकिन आवाम के बारे में किसी ने नहीं सोचा। एग्जैक्टली, और रही इनकलाब की बात, तो ये हमारा ईमान है इंशाल्लाह इनकलाब भी इस मुल्क के अंदर आएगा, बिल्कुल, और इनकलाब दूर नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ आबिद भाई, यकीनन आप भी चाहते होंगे कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी विश है, आबिद भाई की भी यही विश होगी और पाकिस्तान के हर उस शख्स की ये ख्वाहिश है जो पाकिस्तान से हमदर्दाना मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है। नाज़रीन, हम सब की ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में अब वो वक्त आ चुका है कि निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम हो जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए, तो फिर इसमें बरकतें ही बरकतें। भाई आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ जी, कि जो आपने कहा कि निज़ाम मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह
तमाम चीज़ों का जो निचोड़ है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह है ही निज़ाम निज़ाम मुस्तफ़ा जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम के ऊपर बना है। एग्जैक्टली तो इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा, ये हमारा ईमान है इंशाल्लाह। और इसकी मैं बता रहा हूँ ना कि सीढ़ी भी लग चुकी है, बिसात भी इंशाल्लाह बिक चुकी है, उसके ऊपर काम भी जारी है। हमारे जितने भी इस मुल्क के इदारे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, आशिकाने मुस्तफ़ा हैं जी जी जी, और वो भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं, उनको आगे नहीं लाया जाता नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा की बिसात बिछ चुकी है, सीढ़ी लग गई है इंशाल्लाह, एक कदम उसके ऊपर सबने रख दिया है इंशाल्लाह। इस मुल्क के अंदर हमारा ईमान है, हम रहें ना रहें, हम ये दिन देखें ना देखें, पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा। जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो इस मुल्क के अंदर से जो बेरोज़गारी है, जी हाँ, चोरी हैं, डाकें, कत्लो गारत गरी है, इंशाल्लाह वो ख़त्म होगा, हमारा ईमान है। क्योंकि पाकिस्तान जो बना है ना वो इस्लाम के नाम के ऊपर बना, इस्लाम के नाम पर बना है। और ये हम रहें ना रहें, रहती दुनिया तक पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा। और आप भी ये भी देखेंगे यहीं से गज़वा हिंद होगा जी हाँ। और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह लहराया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ये जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, ये इंशाल्लाह उस जगह भी जाके इंशाल्लाह हम अपने इदारों के साथ जाके इंशाल्लाह पाकिस्तानी परचम ले रहे हैं। बिल्कुल। और आबिद भाई आपकी बात को मजीद मैं आगे बढ़ा देता हूँ। इब्तिदा में आपने एक शेर पढ़ा था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब उस शेर का तनाजुर और उसका कनेक्शन आबिद भाई की इस वाली बात से 110% बैलेंस हो चुका है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मनोआन इस मुल्क में नाफिज कर दी जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात का निफाज इस मुल्क में हो जाए तो नाज़रीन इकराम वो वक्त वाकई दूर नहीं है कि अगर हम रहें न रहें, आबिद भाई जिस तरह फरमा रहे थे कि हम हों ना हों हमारी नस्लें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। और नाज़रीन इकराम इस वक्त वक्त हुआ चाहता है एक खूबसूरत सी नात शामिल करने का, क्योंकि ये सियासी सूरत हाल पर हमने इज़हार ख्याल आबिद भाई का लिया और हमें यकीन है कि आप आबिद भाई की इस खूबसूरत गुफ्तगू से ज़रूर महसूस हुए होंगे। और आपके जहन में भी कोई अगर सवाल आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में अपना क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं, वो सवाल भी आपका शामिल ट्रांसमिशन किया जाएगा। मगर इस वक्त वक्त हुआ चाहता है कि इस पुरमसरत मौके को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए और हुजूर के ज़िक्र से मुजयन किया जाए। तो वहीं हम आते हैं शहर हैदराबाद के बिल्कुल कमसिन सना खां के, जिनका लबो लहजा मासूमाना है, अंदाज़ मासूमाना है, चेहरा मासूमाना है, मगर जब ये नात पढ़ते हैं तो फिर आंखें बंद करने के बाद आप तसव्वुर कीजिए कि आप मदीने की गलियों में घूम रहे होंगे, इतनी खूबसूरत अंदाज में नात पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि इस नन्हे मुन्ने सना खां से एक नात इस ट्रांसमिशन में शामिल की जाए ताकि मज़ीद इस ट्रांसमिशन की रौनक को खूब से खूबतर किया जा सके। मोहम्मद फहद अत्तारी से गुजारिश के Ya Rasulullah wa sallam alayk ya Habiballah wo sher-e-muhabbat jahan Mustafa hai wo sher-e-muhabbat jahan Mustafa hai वहीं घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा जो पूछा नबी ने के कुछ घर भी छोड़ा के सिद्दीक अकबर के होठों पे आया व
वहाँ मान दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ मान दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटा ने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, जियाते मोहब्बत की आवाज गूंजी, जियाते मोहब्बत की आवाज गूंजी, कान जलाने के दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जा मैं शहादत, इजाजत अगर दो तो जा मैं शहादत, लपों से लगाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, सितारों से ये चांद कहता हरदम, सितारों से ये चांद कहता हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है वो नन्ना सा असगर जो एड़ी डगर कर, वो नन्ना सा असगर जो एड़ी डगर कर, यही कह रहा था कि खेमे में रो कर ए बाबा में पानी कपासा नहीं हूँ, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन जाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, जो देखा है रूए जमाले रिसालत, तो तारू भर मुस्तफा से ये बोले बड़ी आप से दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आप से दुश्मनी थी मगर अब, गुलामी में आने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वाह
सुभान अल्लाह, वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी, नज़र में जमाने को जी चाहता है। इंतहाई खूबसूरत अंदाज और क्या ही खूबसूरत कलाम और क्या ही लबो लहजा। अल्लाह पाक इस बच्चे के मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन फरमाए। ये थे मोहम्मद फाहद अत्तारी, कमसिन सना खान मुस्तफ़ा। कि यकीन जानिए नाज़रीन, इस कम सिनी के आलम में इतनी सच्चाई, इतनी फीलिंग्स के साथ इस ज़िक्र को किया कि यकीनन मेरी और आपकी भी आंखें नम हो चुकी होंगी। नाज़रीन इकराम, ये ट्रांसमिशन जारी वसारी है और ये तेज़ी से अपने अख्तिताम की जानिब बढ़ रही है। इफ्तार का वक्त भी करीब हुआ चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि आपसे एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लिया जाए और उसके बाद फिर दोबारा से हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब मोहम्मद आबिद कादरी, डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हमारे साथ मौजूद हैं और आपसे मज़ीद गुफ्तगू शनीद जारी रहेगी। और आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इस ट्रांसमिशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी आरा से हमको आगाह कीजिए। ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन हासिल रहा सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली निहारी बनाने वाले, मलिक आर्ट प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाजार, सोनी धरती यूथ काउंसिल, जेड बी आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, एच एंड एफ गारमेंट्स, पी जेड एम टी वी और न्यू खान चार सद्दा शोज़ बनाने वाले। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमें यकीन है कि आप हमारे साथ रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साहिबो, ऑटोबान वर्जिन लोन इज ऑफरिंग स्पेशल रमजान ऑफर। During Ramazan, get 40% discount up to bookings of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Things are limited. वेलकम बैक नाज़रीन, पारस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान जारी वसारी है। और इस वक्त हमारे दरमियान शहर हैदराबाद की इंतहाई मोतबर शख्सियत, डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहतरम जनाब मोहम्मद आबिद कादरी साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू जारी वसारी है। हम चाहेंगे कि आबिद भाई से मज़ीद गुफ्तगू की जाए और वो उन पहलुओं पर भी बात की जाए जो कि दौरे हाजिर में इस वक्त ज़ेर बहस हैं, ज़द आम हैं, हर शख्स जो है वो इससे परेशान भी है। तो हम चाहेंगे कि आबिद भाई से इस हवाले से गुफ्तगू और इनका इजहार ख्याल लेते हैं कि आप क्या कहिएगा। आबिद भाई, मौजूदा रमज़ान मुबारक जो इस वक्त हम और आप जिससे गुज़र रहे हैं, माह मुबारक से, माह सियाम और माह नज़ूल कुरान से,
तो इस माह में सबसे पहले जो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और हुआ करती थी पुराने अदवार में कि रोज़ेदारों को फैसिलिटेट किया जाता था हर तरह से, मींस अगर वो कहीं दुकान पे जा रहा है तो उसे सस्ती अशिया फराहम होती थी, और अगर उसको कहीं प्रॉब्लम आती थी, कहीं लाइट चली जाती थी तो फौरन फर्स्ट प्रायोरिटी पर उस इलाके की लाइट बहाल कर दी जाती थी कि रोज़ेदारों को परेशानी ना हो, सहरी में परेशानी ना हो, इफ्तार में कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वही आप वाली बात के हुक्मरान जो है वो जब अपने लिए सोचने लगे और आवाम को पसे पुश डाल दिया, तो उसके बाद की जो सूरत हाल है उससे आप और हम दोनों ही गुजर रहे हैं और हमारा हैदराबाद भी गुजर रहा है। तो क्या कहिएगा कि इस रमज़ान में आपने पिछले साल से अपग्रेड पाया या उससे मज़ीद बदतर पाया ये इंतज़ामी निज़ाम जो है? भाई पिछला रमज़ान तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर था इस रमज़ान की बनिस्बत, वही आप वाली बात जी जी कि आपकी बात को मैं फिर सेकंड करता हूँ जी जी, यानी कि जितना टाइम आगे जाता जा रहा ना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान आने की आगे जाने के बजाय तो इन हुक्मरानों की वजह से पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज भी हम 50 साल पीछे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, क्योंकि इस मुल्क में देखें ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है। आप खुद ही देख लेंगे शहरी हम अंधेरे में कर रहे हैं, अंधेरे में कर रहे हैं। शहरी का टाइम होता है तो गैस नहीं होता, गैस नहीं होता। अच्छा बुनियादी सहूलत पानी है तो आज पूरे हैदराबाद शहर हैदराबाद में आप देखेंगे कि कहीं भी पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आ रहा है तो बदबू वाला पानी आ रहा है। एग्जैक्टली यही है ना। और आसमान पे कीमतें पहुंच चुकी हैं बिल्कुल, और रोज़ेदारों को तो रिलीफ की आप बात करें तो मैं तो बोल रहा हूँ कि रिलीफ का जो रे होता है ना वो भी आवाम के लिए, वो भी छीन लिया गया, वो भी छीन लिया गया आवाम से, जीने का हक ही छीन लिया गया। सही बात, हुक्मरान सिर्फ अपनी उसके अंदर आपस की चपकलिश के अंदर इसके अंदर लगे हुए, लेकिन आवाम का कोई भी सोचने की ख्याल नहीं है। तो अभी तक आपने कोई इनिशिएटिव लिया अपनी तंजीम के हवाले से, मौजूदा महंगाई, लोड शेडिंग, देश की सूरत हाल के हवाले से आपने अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई, उस हवाले से आगाह कीजिए हमारी आवाम को। भाई देखना हैदराबाद की जो आवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत रखने वाले लोग हैं हैदराबाद, वो पूरे पाकिस्तान के मैंने दौरे किए हैं, पूरे पाकिस्तान में घुमाऊँ, लेकिन जो क्वालिटी जो यानी कि मोहब्बत हैदराबाद की है वो मैंने कहीं भी नहीं देखा है ना। अच्छा हैदराबाद का ये कि हैदराबाद के शहरी हर एक दूसरे को जानते हैं जी बिल्कुल, है ना, एक दूसरे से रगबत रखते हैं, छोटा छोटा मोहब्बत वाला शहर है अपना हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो आवाम के ताउन से आवाम की उस समय कई दफ़ा एहतजाज की धरने किए, रैलियाँ की एस्को के ख़िलाफ़, सही ये गैस के ख़िलाफ़ महंगाई के हवाले से, और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह जारी वो सारी है जी। और इंशाल्लाह जल्दी इसके ऊपर मजीद लाइमल तय करके हैदराबाद के तमाम जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको बुला के इंशाल्लाह इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे जी। और महंगाई के ख़िलाफ़ भी कई एहतजाज किए हैं और मजीद एहतजाज करने के लिए हम जा रहे हैं सही। तो इंशाल्लाह हैदराबाद की आवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपने वोट का जो है ना सही इस्तेमाल किया करें खुदारा, क्योंकि हम 30 सालों से मुसलसल उन्हीं लोगों को, क्योंकि ये पुराने शिकारी हैं हमेशा नया जाल लेकर आते हैं जी, तो इनके जालों से हमें बचना है। इन लोगों को हमें उन लोगों को मुंतखब करना है कि जो आशिकान मुस्तफ़ा हों, जो अजमत रसूल अल्लाह के लिए निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जो लोग काम करते हैं, हमें उन लोगों को चुनना, उन लोगों को लेकर आना। इंशाल्लाह वो लोग आएंगे, महंगाई बेरोज़गारी का इंशाल्लाह खात्मा होगा और आवाम को इंशाल्लाह रिलीफ मिलेगा। अभी भाई आपकी एक एक्टिविटी कोविड के ज़माने में भी बड़ी आपने जद्दोजहद की और बड़ा एक कारनुमाया आपने अंजाम दिए, कोविड में आपने ना रात देखी और ना दिन देखा, और आपने गाहे बगाहे करिया करिया पूछा पूछा जो है वो मदद की लोगों की, और राशन पहुंचाया, कहीं गोश्त नहीं था गोश्त पहुंचाया, सब्ज़ी नहीं थी सब्ज़ी पहुंचाई, कहीं वैक्सीन नहीं थी तो वहाँ वैक्सीनेशन के लिए आपने अपनी एक्टिविटीज़ को ज़ाहिर किया। तो वो वक्त अल्लाह ने खैरियत से निकाल दिया और अल्लाह पाक ने आपको भी मजीद इज़्ज़तें अता फरमाई उस कारनुमाया की बदौलत। मगर अभी इस वक्त जो रमज़ान चल रहा है तो इसमें भी आपकी कोई एक्टिविटी चल रही है राशन के हवाले से या फैसिलिटेशन के हवाले से अवाम नास के लिए हैदराबाद की? भाई ये तो पाकिस्तान सुन्नी तरीक़े का साल साल से सिलसिला जारी है जी, कि गरीब मुस्तहक जो लोग होते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। अभी रमज़ान से पहले आपने देखा कि शब बारात आई थी जी बिल्कुल, शब बारात में पूरे हैदराबाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंप सिस्टम था पूरे हैदराबाद के कब्रस्तानों के अंदर जी, रोशनी का बंदोबस्त कराया, जो ज़ायरीन कब्रस्तानों के ऊपर अपने प्यारों की कबूर के ऊपर आके दुआए मफ़रत करते हैं, फातह खानी करते हैं जी जी। उनके लिए हमने पानी का बंदोबस्त किया, शरबत का बंदोबस्त किया, चाय कॉफ़ी वगैरह का किया, और ये सिलसिला आज से नहीं अल्हम्दुलिल्लाह और सदर ये जब से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बनी है जब से ये चल रहा है, और अभी सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शादाब रज़ा नक्शबंदी भाई की हिदायत के ऊपर पहले रमज़ान से लेके हमने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि अफ्तारी के पॉइंट भी कई जगह के ऊपर हमने लगाए हुए हैं माशाल्लाह।
क्योंकि दोस्त बहुत सारे कहते हैं कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए, तो सोशल मीडिया से हटकर, यानी कि बहुत सारी चीज़ मीडिया से हटकर बहुत सारी चीज़ें के लोगों के लिए कर रहे हैं, और इंशाल्लाह राशन पैकेज भी तैयार हो रहा है माशाल्लाह। राशन पैकेज भी क्या नाम है, घर घर इंशाल्लाह पहुँचाएंगे, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग हैं जी जी, तो वो इस तरीके से करेंगे कि हम इस हाथ को दें तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। क्या अच्छी बात, तो इंशाल्लाह ये पैकेज भी इंशाल्लाह चल रहा है, क्योंकि कोविड के अंदर भी काम किया और जितने भी सैलाब आए, जितने भी कोई मामला होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तरीक ने, अभी बीच में आपने देखा कि बारिश की पोजीशन थी जी हाँ, तो ये अंदरूनी सिंध के जितने इलाके थे, दादू था, ये लाड़काना था, इस तरफ जितने जेरे इलाके, पाकिस्तान सुन्नी तरीक ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से सब जगह राशन पहुँचाया गया, इमदाद पहुँचाई गई बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इस रमज़ान के अंदर भी जारी है, और इंशाल्लाह जब तक रमज़ान है और ईद जब तक नहीं आती और ये रमज़ान जब तक चल रहा है, इंशाल्लाह करते रहेंगे, और फिर इंशाल्लाह ऐसा ही नहीं कि रमज़ान में ही करते हैं, इसके अलावा भी इंशाल्लाह आप जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ताउन करने वाले हैं, इंशाल्लाह जो हमारे से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उनके ताउन से इंशाल्लाह सिलसिला जारी था और इंशाल्लाह जारी रहेगा माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, डिविजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक हमारे साथ मौजूद हैं, और आज बहुत सारी ऐसी बातें जो आज हमने आबिद भाई से, जिससे हम मेरे गुफ्तगू रहे और जिन टॉपिक्स पर हमने गुफ्तगू की, हमें यकीन है कि आज की ये गुफ्तगू बहुत सैरंगेज़ थी और आपको यकीनन पसंद आई होगी, और इसके लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपने लिए और आबिद भाई ने जो आपको मैसेज दिया कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक अच्छा रास्ता अपने मुल्क के लिए नसीब होगा, और सबसे बेहतरीन रास्ता निज़ाम मुस्तफ़ा का क़याम है, तो उसके लिए कोशा हो जाएं, अपनी कोशिशें और काविशें बरूए कार लाएँ, तो इंशाल्लाह अज़ वजल वो वक्त दूर नहीं कि हम और आप निज़ाम मुस्तफ़ा की बाहर हैं, इस मुल्क में देखना नसीब अल्लाह हमें करेगा इंशाल्लाह अज़ वजल। असीरी भी आपने काटी और नामोस रिसालत के हवाले से आप जेल भी गए, तो थोड़ा सा वक्त क्योंकि बहुत कलील है, मुख्तसरन आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो वक्त आपने कैसा गुजारा और आपके साथ कौन कौन साहिबान थे उस वक्त, कैसी जैद शख्सियात आपके साथ उस वक्त जेल की असीरी का वो आलम था वो बताइए। भाई देखिए, सबसे पहले तो हमारे लिए हुरमत रसूल है, हुरमत से रसूल पर, क्योंकि हम कहते हैं कि हुरमत रसूल पर जान कुर्बान है, मोमिन ही नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हुरमत रसूल पे खातिम नबीन के ऊपर बिल्कुल ईमान ना रखे बिल्कुल। तो आपने देखा कि एक सिलसिला चला पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो धरनों का इसका सिलसिला जारी था, हमने भी हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ा धरना दिया था इसी हजरत चौक के ऊपर जी, तो उसके बाद हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नज़रबंद कर दिया गया था, असीरी की ज़िंदगी थी, जब असीरी की ज़िंदगी काटी तो मेरी ज़िंदगी, यानी कि मुझसे जब मैं जेल से निकलना था तो मुझसे जेलर ने पूछा था कि आपकी उम्र लिखवाएं, उम्र कितनी है, तो मैंने ये कहा था जेलर को कि जो ज़िंदगी मैंने जेल के अंदर गुजारी है ना, जो अजमत मुस्तफ़ा के ऊपर सरकार की क्या बात है, वाह, पेरा देने की कोशिश करने का जो गुजारा है, बस वही ज़िंदगी है, क्या बात है, और बकाया ज़िंदगी तो फजूल कामों के अंदर गुजरी, आका की इज्जत और नामूस के ऊपर जो ज़िंदगी गुजरे ना, वही ज़िंदगी, बहुत खूब। और हमने जो असीरी जो मैंने काटी अलहमदिल्ला, उसके अंदर कई शेखुल हदीस और कई आलिम दीन हमारे साथ थे, क्योंकि उधर भी महफिल का समा होता था, जेल की तारीख की असीरी होगी है, कभी ऐसा हुआ नहीं होगा, कभी भी उधर उस दौरान हमने रिहाई का भी नहीं सोचा, क्या बात है, क्योंकि हम वहाँ नाथवानी की महफिलें सजाया करते थे, माफी ने मिला हुआ करती थी, और बहुत वो था क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी अबाबील नहीं देखा, अरे वाह, तो वहाँ जेल के अंदर जिस सेल के अंदर मैं बंद था उस सेल के सामने अबाबील का घोंसला भी था, तो बस मैंने एक दिन सोचा कि यार मैं मुझे अबाबील देखना है, तो मैं उस सेल के अंदर से झांक रहा था तो मुझे अबाबील नजर आया, क्या बात है, तो मैंने अबाबील को देखकर ये सोचा कि मैंने, या अल्लाह ये वो अबाबील है कि जिसने नमरूद की फौज को तबाह बर्बाद, बिल्कुल मेरे मालिक करम फरमा दे, सरकार की इज्जत और नामूस के ऊपर अंदर है, तो जब हमने ये सोचा कि अबाबील को हमने देखा, वो हमारा वो किस्सा और वो याद आया, तो हमारी रिहाई भी उसी दिन हो गई थी, तो यानी कि ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये असीरी जो सरकार की हुरमत पर और सरकार के नामूस के ऊपर ना जिंदगी के अंदर, इससे अच्छा दिन, इससे अच्छे दिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई नहीं देखे, जो आका की नामूस और इज्जत के ऊपर जो लोग पेरा देते हैं उनको सलाम में पेश करता हूँ, और उस पर जान भी कुर्बान हो जाए तो उसमें कोई वो नहीं है कि कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, एक दफा नहीं 10 दफा कुर्बान होने, क्या अच्छी बात है। और यहाँ मुझे आबिद भाई वो बात याद आ गई कि जब मलाए कायनात से किसी ने कहा कि अली तुम कभी सुकून से सोए हो, तो कहा हाँ एक रात ऐसी थी जिसमें मैं सुकून से सोया हूँ, और वो रात वो थी जब सरकार ने कहा कि अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मुझे आगे जाना है हिजरत के लिए, कुफार मेरे पीछे हैं, बोले उस दिन, और सरकार ने ये भी फरमाया कि तुम सुबह उठकर जिस जिसकी जो अमानतें हैं वो उनको लौटा देना,
और ये कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आप वहाँ से हिजरत फरमा गए, और मौलाए कायनात जिस रात उस बिस्तर पर सोए, मौलाए कायनात कहते हैं कि उस रात से अच्छी कोई रात, सुकून वाली रात नहीं मैंने गुजारी, क्योंकि उस दिन मुझे ये मालूम था कि मैं सुबह ज़िंदा उठूँगा, मेरे नबी ने कहा है, और ज़िंदा उठकर मैंने अमानतें भी तकसीम करनी है। तो ये वो जज्बा है नाज़रीन इकराम, आबिद भाई ने जो जिस जज्बे की अक्कासी की कि जो वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नामूस और हुर्मत की खातिर काटी गई असीरी में गुजरा, उससे बुलंद और उससे आला वक्त मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो ये वो जज्बा इश्क रसूल है जो कि हर मोमिन और मुसलमान के दिल में होना चाहिए और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। जब कभी कोई सदा उठती है तो किसी वहम ने सदा दी, कोई आप सा मुमासिल तो यकीन पुकार उठा, कभी था ना है ना होगा। तो ये वो जज्बा है नाज़रीन इकराम, इसी नेक नियती और ईमानदारी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह पाक जब तक ये सांसें हमारी कायम मुतायम हैं, हम हुजूर के नामोस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए इस्तकामत रखे, अल्लाह पाक हमें इस पर कायम और दायम रखे, और हमारा खात्मा बिलखैर ईमान पर करे, आमीन बिजाहिन नबील करीम। नाज़रीन इकराम वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का, और इस वक्त हमारे दरमियान कमसिन सना खान मुस्तफ़ा मौजूद है, मोहम्मद फहद तारी जिनकी एक खूबसूरत नात आप पहले सुन चुके हैं। आपसे इजाज़त लेने से कबल मैं अपने मेहमान मोहम्मद आबिद कादरी साहब का तहे दिल से ममनून मशकूर कि आपने वक्त निकाला और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपके ज़रिए हमारे नाज़रीन तक पहुँची। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्की और उरूज और इस्तक़ामत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम वक्त हो जाता है आपसे इजाज़त का, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन हासिल रहा सारी ब्राइडल सैलून, आमिर गफ्फार फाउंडेशन, शहबाज दहली नारी हाउस, मलिकार्ड प्रोमोटर्स, अवामी बचत बाजार, सोनी धरती यूथ कौंसल, जेड बी आर्ट प्रोमोटर्स एंड प्रोडक्शन, एच एंड एफ गारमेंट्स, पी जेड एम टी वी, न्यू खान चार सद्दा शूज बनाने वाले, और हमारे दरमियान मौजूद हैं कमसिन सना खान मुस्तफ़ा। इस स्टेज और इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मरहबा रमजान, ट्रांसमिशन देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट से और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। कल तक के लिए इजाज़त, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله ثم صل على سيدنا ومولانا محمد प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद, प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद, सुल्तान दो जान पर, सुल्तान दो जान पर सबका दुरूद, अल्लाह मोहम्मद पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है, अल्लाह मोहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़ा जा रहा है, जन्नत में फातिमा की कनीज़ा जा रहा है, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ आ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदिना व मौलाना मुहम्मद, जन्नत में मुस्तफा के सब जा रहे, जन्नत में मुस्तफा के सब जा रहे। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरे पापा आ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जी साहिबो, ऑटोबान वेडिंग लॉन इज ऑफरिंग स्पेशल रमजान ऑफर। ड्यूरिंग रमजान गेट 40% डिस्काउंट अप टू बुकिंग्स ऑफ ईद उल फित्र एंड ईद उल अजहा। Limited.